आइए हम आपको कोफ्ता रिजाला बताते हैं बनाना। उसके लिए हमें ये देखिए हाफ के जी कीमा चाहिए, हाफ के जी कीमा चाहिए, ये दो बड़ा प्याज कटा हुआ, दो चम्मच सत्तू, थोड़ा सा अदरक क्रश किया हुआ, ये देखिए एक चम्मच धनिया की पत्ती, एक बड़ा चम्मच पुदीना के पत्ते कटे हुए, लहसुन कटे हुए, ये देखिए काजू का पेस्ट है दो चम्मच, दो चम्मच छोटा लहसुन का पेस्ट, एक टमाटर छोटा बारीक कटा हुआ, ये देखिए, और ये हमारे पास दही है, ये हमारे पास क्रीम है, ये तीन तीन चम्मच है बड़े, ये हमारे पास एक बड़ा चम्मच आम का पल्प है, ये देखिए हमारे मसाले हैं, ये हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर लेंगे हम, हल्दी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम कीमा लेंगे, उसमें हम ये आम का पल्प डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिलाएंगे, थोड़ा सा हरा मिर्च डालेंगे कटे हुए, थोड़ा प्याज, ये मिंट के सारे पत्ते डाल देंगे एक चम्मच, थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक, थोड़ा क्रश किया हुआ लहसुन डाल देंगे इसमें, उसके बाद हम ये देखिए थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच से कम लेंगे, ये देखिए आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार लीजिए, जितना आपको रखना है स्वाद के अनुसार लीजिए। उसके बाद हम इसमें चने का आटा यानी कि सत्तू डाल देंगे, ये देखिए, उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, देखिए हमारा मटन कीमा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम 2 से 5 मिनट के लिए इसी तरह रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हम एक फ्राई पैन लिए हैं, पैन में हम 2 चम्मच बड़ा चम्मच करीबन 100 ग्राम तेल इसमें हम गर्म कर लिए हैं, ये देखिए अब हम अपना कीमा कोफ्ता बना करके डायरेक्टली उसमें इसे इस तरह से बना करके डाल देंगे, आप जिस तरह का भी बना सकते हैं, गोल बनाइए, लंबा बनाइए, जिस तरह से भी आप, इसी तरीके से हम पूरा कोफ्ता हम अपना तैयार कर लेंगे, हम पलट लेंगे, इसे हम धीरे धीरे करके सारे कोफ्ते पलट लेंगे, इसे हम हल्का सुनहरा करके कोफ्ते निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते सारे तल गए हैं, इसे हल्का तलना है, लाइट ब्राउन करना है, ये देखिए ये हमारा बचा हुआ तेल है, ये सरसों का तेल है, इसमें हम अपने कोफ्ते के ग्रेवी को तैयार करेंगे, इसलिए कि इसमें बहुत सारे फ्लेवर है, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे, ये देखिए हम थोड़ा भून लेते हैं एक, इसे हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, इसमें हम
ये टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी हम एक मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम हम मीडियम करके भूनेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। थोड़ा तेज कर लेते फ्लेम अब। इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे हम करीब 5 मिनट भूनेंगे। ये देखिए हम लहसुन प्याज टमाटर थोड़ा पक गया है। इसे भूनना नहीं है, ये पक गया है थोड़ा। अब हम इसमें हम पाउडर मसाले डाल देंगे। देखिए आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। हमारे कोफ्ते के अंदर भी नमक है। देखिए लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, काली मिर्च थोड़ी सी। फ्लेम हम कम कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद अब हम अपने कोफ्ते इसमें डाल देंगे। देखिए ये हम अपने कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। ऐसे हम इसी तरह कम फ्लेम में रखेंगे। उसके बाद इसमें हम दिखाते हैं, ये देखिए इसे हम इसी तरह कम फ्लेम में 1 मिनट पकने देते हैं। देखिए अब हम इसमें ये दही ऐड कर देंगे, दही डाल देंगे इसमें हम। देखिए फ्लेम कम मीडियम करके हम इसे चलाएंगे। इसे दही डाल के हम 1 मिनट पकने देंगे। अगर हम फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे, ये हमारा गरम मसाला पाउडर है, इसे भी हम डाल देंगे। ये कसूरी मेथी, इसे भी हम डाल देंगे। ये हमारा कटा हुआ हरा मिर्च, ये कटा हुआ लहसुन। ये लहसुन डालने के बाद थोड़ा सा हम धनिया की पत्ती, हमारा क्रश किया हुआ अदरक, इसमें अब हम ये काजू का पेस्ट डाल देंगे। ये हमारे पास क्रीम है, इससे हम थोड़ा क्रीम डालेंगे। आधा क्रीम हम बचा लेंगे, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं। देखिए इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी थोड़ा और पानी डाल करके इसे हम 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। ढक्कन ढक करके इसे हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। ये अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए मसाला हमारा 10 मिनट पक चुका है। अच्छे से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम इसमें फ्लेम हम तेज कर देंगे।
ये देखिए इसमें हम जो हमारी बची हुई क्रीम है उसे भी हम डाल देंगे। ये देखिए थोड़ी सी क्रीम हम बचा लेंगे। ये देखिए फ्लेम कम कर दीजिए, इसे चलाइए। ये देखिए अब हम इसके बाद ये हमारे पास ये गरम मसाला थोड़ा बचा हुआ था उसे भी हम ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए अब ये तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सारी ग्रेवी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारा कोफ्ता तैयार है, बॉल में निकाल लिए। इसके ऊपर से हम थोड़ा धनिया छिड़क देंगे। जो बची हुई क्रीम है उसे हम इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए हमारा कोफ्ता रिजाला, हमारा कोफ्ता रिजाला एकदम बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इसे चपाती, पराठा, नान, चावल के साथ खाइए। ये बहुत टेस्टी है, आप खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और हमारा वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।